भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में वर्ल्ड विजन एनजीओ द्वारा बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट और मास्क का किया गया डोनेट। राजधानी दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में वर्ल्ड विजन नामक एनजीओ द्वारा 16-10 लीटर के कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट, मास्क के साथ साथ कई चीज डोनेट की गई। जागीरपुरी स्थित दिल्ली सरकार के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोविड-19 महामारी के समय में भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान को जोखिम में रखकर लोगों का इलाज किया और अभी भी लगातार मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में इस अस्पताल को खास तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बेहद सख्त जरूरत थी। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए वर्ल्ड विजन नामक एक संस्था द्वारा बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ साथ कई अन्य चीज भी डोनेट की गई। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी अस्पताल में मौजूद रहे। साथ ही साथ स्थायी निगम पार्षद अजय शर्मा, विधायक पवन शर्मा के साथ साथ कई अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये सभी तैयारियां कोविड की तीसरी लहरों की आशंकाओं को देखते हुए की जा रही है। न सिर्फ बाबू जगजीवन राम अस्पताल बल्कि कई अन्य अस्पतालों में भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीटी के साथ साथ कई अन्य चीजों के डोनेट करने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल संस्थाएं इस तरीके के डोनेशन से अस्पताल में हो रही मेडिकल फैसिलिटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद जरूर कर रहे हैं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, आप आज यहाँ पर आए हैं और वर्ल्ड विजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वर्ल्ड विजन इंडिया को, जिन्होंने आज 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी 10 लीटर वाले, उसके साथ साथ 80 मास्क, 80 ग्लव्स, 80 फेस शील्ड, 80 जो पीपी किट, ये सब जो इन्होंने आज हॉस्पिटल को डोनेट किया है, इससे हॉस्पिटल को लोगों के इलाज करने में मदद मिलेगी। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और हमारे MS साहब और पूरे स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, इनको भी सबको धन्यवाद करता हूँ कि इस हॉस्पिटल में लगातार पूरी ईमानदारी के साथ रात दिन इन्होंने ये किया। और कोरोना की सेकंड वेव जिस तरीके से हम लोग उसका इतने खतरनाक तरीके से आई थी और जिस तरीके से हैंडल किया, उसमें केवल हमारी सरकार ने, हमने ही नहीं बल्कि हमारे समाज साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या NOs हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं, टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन सब ने भरपूर सहयोग किया, जिसकी वजह से हम उससे उभर कर अब धीरे धीरे दिल्ली चल पड़ी है। और जो एप्रिहेंसन एक जताई जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है और उसमें बच्चों पे इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, सरकार उसके लिए रात दिन तैयारी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हम तो केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल कराए ताकि हम पूरे दिल्ली को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दें और इस संभावित थर्ड वेव से अपने भारत के लोगों को बचा सकें। सर, दिल्ली सरकार कहती है हमेशा कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके अंदर सारे टेस्ट वगैरह फ्री होते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में आज भी टेस्ट बाहर से हो रहे हैं और अल्ट्रासाउंड की एक दिक्कत इतने सालों से चली आ रही है जो आज तक ठीक नहीं हुई है। देखिए ऐसा है, अगर कोई भी यहाँ हॉस्पिटल में आता है और कोई टेस्ट सपोज करो यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाहर है, तो यहाँ से जो हमारे पैनल पे जो हैं उस पैनल वाले हॉस्पिटल में भेजकर या लैब्स में भेजकर तो जांच तो सरकारी खर्चे पे हम लोग करा ही नहीं। सर, बाहर से प्राइवेट खर्चे पे जांच जानकारी नहीं है, तो आप हमें जानकारी में लिखित में लाइए। और ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से है। देखिए, पहली बात तो अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ काम कर रही होगी और अगर सपोज करो वो ख़राब है, उसको ठीक कराने के लिए MS साहब उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे, लेकिन तब तक जो यहाँ नहीं हो पा रही उनको हमारे दिल्ली सरकार के दूसरे हॉस्पिटल में या जो हमारे पैनल पे जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पे यहाँ से रेफर करके वो हम कराया जाएगा। डाक में हो रहा था, डाक में जो सामान दिया उसके बारे में बताएं आपको, क्या क्या सामान कैसा है? देखिए, वर्ल्ड विजन जो NGO है वो इस हॉस्पिटल से और इस क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़ा रहा है और हमारे हॉस्पिटल में कई सारी गतिविधियों में भाग लेता रहा है। अभी जब कोरोना का पीरियड निकला, पहला फेज़ और दूसरा फेज़, तो उस समय उन्होंने हमसे संपर्क स्थापित करके बोला कि इस बीमारी की वजह से आपकी कोई ज़रूरत है
जो कि आपको तुरंत नहीं मिल पा रही है, बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारे स्टाफ ने जो दी थी, उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको दे दी हैं। उसमें मेन चीज़ जो मुख्य बात बताना चाहूँगा वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन्होंने जो दिए हैं, वो उसकी भी खास बात यह है कि ये 10 लीटर वाले हैं और बाकी कई जगह से हमें मिले हैं तो वो 5 लीटर वाले होते हैं। तो 10 लीटर वाले हमारी सक्षमता पूरी तरह से अच्छा करते हैं काम, तो वो हमें ज़्यादा यूज़फुल लगे हैं। वैसे तो सरकार का प्रयास ये है कि अगली थर्ड फेज़ के बारे में मीडिया में खबर आ रही है कि आएगी, बच्चों पर ज़्यादा प्रकोप होगा, लेकिन तैयारियाँ इस तरह से की जा रही हैं कि पहली बात तो थर्ड फेज़ आए ना, आती है तो उतनी सीवियरिटी से ना आए, क्योंकि साथ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चल रहा है, उस वजह से उतनी सीवियरिटी से नहीं आएगी। और यदि कुछ मरीज़ आ भी जाते हैं तो हमारे सरकार की और हॉस्पिटल की तैयारी पूरी तरह से रहे, ऐसे मरीजों को हम तुरंत उसको जो इलाज जरूरी है वो मुहैया कराएं। इसी प्रयास में हमने अपनी तैयारियाँ की हैं, सरकार की तरफ से भी कई आदेश प्राप्त होते हैं, वो हम पूरा करते रहते हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है कि यदि कोई थर्ड वेव इस तरह की आती भी है तो हम उसको टेकअप करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारे पास चूँकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, नॉन कोविड होते हुए भी हमारे यहाँ पे जो जो नेगेटिव पेशेंट्स हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं, वो लोग आते हैं तो उनको हमें ट्रीटमेंट करना होता है। और मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी ही है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से भी दी जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से भी दी